तो क्या आप लोग भी अपने वीडियो में अपना फेस नहीं दिखाना चाहते हैं? तो इसका एक अच्छा सा आइडिया आप लोगों को देता हूँ। आप लोग अपने वीडियो में इस टाइप का इमोजी फेस ऐड कर सकते हैं। कैसे करना है उसको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत सिंपल तरीके से आप लोग को बताऊंगा और आप लोग अपने वीडियो को काफी प्रोफेशनल बना सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो एडिट करने के लिए हम लोग कैपकट एप्लीकेशन का यूज करेंगे। तो आप लोग कैपकट को ओपन कर लेना और उससे पहले एक अच्छा सा वीपीएन लगा लेना, क्योंकि वीपीएन बहुत जरूरी होता है कैपकट यूज करने के लिए। और ये वाला जो वीडियो है उन लोगों के लिए स्पेशल है जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं बट अपना फेस दिखाना नहीं चाहते। तो ये आप लोग कर सकते हो, काफ़ी अच्छा मेथड है और काफ़ी प्रोफेशनल भी लगता है। तो इस टाइप से कैपकट ओपन कर लेना, उसके बाद कोई सा भी प्रोजेक्ट ओपन कर लेना जिसमें आप लोग अपना जो फेस है ऐड करना चाहते हो। मेरे पास ये वाली वीडियो है जिसको मैंने यूट्यूब से डाउनलोड किया है, ठीक है। और यहाँ से मैंने दो क्लिप्स लिया है, यहाँ से एक को कट कर देते हैं। उसके बाद देख सकते हो ये वाला हम लोग का नॉर्मल सा वीडियो है। आप लोग को एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। दूसरे यूट्यूबर का लिया है मैंने, आप लोग को एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। और अगर आप लोग खुद का वॉइस से बना रहे हो तो ये वाला जो इमोजी फेस है आप लोग जरूर से ऐड कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसको ऐड करने के लिए आप लोग को इधर स्क्रॉल करना है और इफेक्ट ऐड करना है, ठीक है। इफेक्ट ऐड करने के लिए यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इफेक्ट का, इस पर एक बार टैप कर दो। टैप करने के बाद यहाँ से चार ऑप्शन होगा, यहाँ से वीडियो इफेक्ट रहेगा और बॉडी इफेक्ट है। तो हम लोग को अपना फेस में लगाना है तो ये बॉडी का इफेक्ट हम लोग को यूज करना है, तो उसके लिए इस पर टैप करो। टैप करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग और देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग इफेक्ट यहाँ पर शो होने लगा है। हम लोग को सिंपली ये ऊपर स्क्रॉल बार दिख रहा है, बहुत सा ऑप्शंस है इफेक्ट का, आप लोग को सिंपली इधर स्क्रॉल करके लास्ट में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर इमेज का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर एक बार टैप कर देना है। टैप करने के बाद देख सकते हो यहाँ से बहुत सारा आप लोग के सामने इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, जो सारा जो फेस है शो हो रहा है यहाँ पर जितना फेस शो हो रहा है आप लोग अपने वीडियो में यूज कर सकते हो। जैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ से फर्स्ट वाला यूज करके हम लोग देख लेते हैं कैसा रिजल्ट आता है, आप लोग को जस्ट अभी बता दूंगा। देख सकते हो बिल्कुल रियल लगता है, कोई फेक वगैरह नहीं लगता है, ठीक है। और इधर से भी कोई फेस अगर लगाना चाहते हो, जैसे ये वाला भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसको यूज कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला भी, देख सकते हो। और इतना ही नहीं, इसमें एडजस्ट भी है, इस पर टैप करके अपना जो फेस का साइज है उसको बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। ये मैक्सिमम छोटा है, ठीक है। और अगर इसे बड़ा करना चाहते हो, यहाँ पर जो साइज दिख रहा है आप लोगों को इसको इंक्रीज कर देना है। इसी तो बड़ा हो गया, बट ज़्यादा बड़ा मत करना, नहीं तो एकदम से ही कार्टून टाइप से लगेगा तो वो अच्छा नहीं लगता। ये वाला जो इफेक्ट है आप लोग यूज कर सकते हो अपने वीडियो में और काफ़ी प्रोफेशनल बना सकते हो। यहाँ पर ये वाला भी है। और इतना कर लेने के बाद थोड़ा सा और काम है जिसको मैं अभी बता देता हूँ। और आप लोग ऐसा जो इफेक्ट सेलेक्ट करना जो आप लोग के बॉडी के कलर से मैच करे, ठीक है। तो आप लोग का जो इफेक्ट है काफ़ी अच्छे से मैच करेगा और काफ़ी अच्छा भी लगेगा। यहाँ से हम लोग ये वाला भी ले सकते हैं, बट लड़की का है तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। लड़का कैरेक्टर अलग है, लड़की कैरेक्टर अलग है, देख सकते हो लड़की जैसे लग रहा है। तो आप लोगों को यहाँ से लड़का वाला ही सेलेक्ट कर लेना है। ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये वाला भी काफ़ी सही लग रहा है। तो आप लोग को जो भी पसंद आता है उसको यूज कर सकते हो। यहाँ पर मेरे को ये वाला अच्छा लग रहा है, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे। अब इसको आप लोगों को अपना जितना भी वीडियो में अप्लाई करना है उतना में आप लोग को इसको पकड़कर स्टेप से खींच लेना है, फिर आप लोग का जो इफेक्ट है अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाकर ये वाला लेयर है आप लोग को इसको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप लोग दो तीन लेयर का वीडियो बना रहे हो तो आप लोग को ये वाला काम जरूर से कर लेना है। उसके बाद यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे, यहाँ से एडजस्ट है, यहाँ से भी आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, इस पर टैप करो और फेस का साइज वगैरह बढ़ा सकते हो, देख सकते हो। बट इसमें उतना जूम नहीं देता है और देख सकते हो ये इसमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से राइट क्लिक कर देंगे। अब इसमें हम लोग को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग का जो फेस है थोड़ा सा अलग लग रहा है, ठीक है। तो इसको एडजस्ट में लाने के लिए, मतलब दोनों को मैच कराने के लिए हम लोग को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है। तो आप लोग को इधर स्क्रॉल करना है, एडजस्ट का एक ऑप्शन आप लोग को शो हो रहा होगा, इस पर एक बार टैप कर लेना। यहाँ से अपना जो एडजस्टमेंट है उसको अपने वीडियो के अकॉर्डिंग करना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को ब्राइटनेस को थोड़ा सा डाउन कर देना है, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा देना जिससे थोड़ा सा सिमिलर हो जाए, और सिचुएशन को आप लोग को अपने वीडियो के अकॉर्डिंग बढ़ाना है। और यहाँ से शार्पन बढ़ा देना, उसके बाद यहाँ से ये शैडो और हाईलाइट को आप लोग यूज कर सकते हो। ओके, सही लग रहा है, ओके, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब फिल्टर भी यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है और आपके वीडियो के ऊपर।
उसके बाद आप लोग का वीडियो यहाँ से रेडी हो गया। आप लोगों को दिखा देता हूँ कितना अच्छा लग रहा है हम लोग का वीडियो, और ये काफ़ी प्रोफेशनल लग रहा है। यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल 100% मैच कर रहा है आप लोग का वीडियो में। तो ये काम आप लोग भी कर सकते हो। और कुछ स्नैपचैट पर फिल्टर्स भी होते हैं, बट उसमें बार बार से ये दिक्कत हो जाता है कि कितना टाइम तक रिकॉर्ड करोगे ये सब, तो आप लोग इसको एडिट से भी कर सकते हो। तो आई होप आप लोग को ये वाला एडिटिंग अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद अब हम लोग अपना वीडियो है उसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। इस पर टैप करके अपना रेजुलेशन सेलेक्ट कर लो, एक्सपोर्ट पर टैप करो, आप लोग का वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और अभी भी कोई डाउट है आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।